300 फिक्स। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिच ब्लॉगिंग। सो आज हम लोग आए हैं लखनऊ के जानेश्वर मिश्र पार्क में, जो कि गोमती नगर में है। और आज हम लोग घूमने वाले हैं जानेश्वर मिश्र पार्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। पूरा पार्क आज दिखाते हैं। एंट्री कर ली है। ये है यहाँ का एंट्री गेट, और यहाँ पे दो टैंक खड़े हुए हैं विजयांता करके, इनका नाम विजयांता है, मतलब विक्ट्री। चलिए अंदर का नज़ारा देखते हैं। दो नंबर गेट से अभी अंदर एंट्री हो गई हमारी, और हमारे सामने ये MiG-21। सो ये है यहाँ का पूरा मैप जानेश्वर मिश्र पार्क। अभी हम लोग फिलहाल हैं दो नंबर गेट पे। सो ये यहाँ पे दूसरा मैप, सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। और ये एशिया के सबसे बड़ा पार्क है जानेश्वर मिश्र पार्क, जो कि लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। और ये टोटल पूरा 376 एकड़ का है, मतलब 1.52 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे पूरा पार्क घूमना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कार्स वगैरह और साइकिलिंग भी अवेलेबल हैं, जिससे आप पूरी पार्क का सैर कर सकते हैं। और यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, वो झील बनी हुई है पूरी पार्क के चारों तरफ, यहाँ पर झील है। यहाँ पर बोटिंग भी अवेलेबल है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे साइकिलिंग आप ले लें, जब ज़्यादा अच्छा रहेगा साइकिलिंग से पूरी पार्क घूमें। और ऐसे पैदल घूमना तो बहुत ही मुश्किल होगा, काफ़ी बड़ी पार्क है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गोल्फ कार्ट में बैठेंगे या तो साइकिलिंग हम लोग करेंगे, तो आपको पूरा पार्क का व्यू दिखाया जाएगा कैसा क्या है। सो यहाँ जानेश्वर मिश्र पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ बंद है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोटिंग चालू है या नहीं चालू। अगर चालू होगी तो यहाँ पे बोटिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तालाब बना हुआ है, यहीं पे बोटिंग एरिया है, लेकिन वो काफ़ी दूर पे है, और अभी हम लोग वहीं चलेंगे। ये MiG-21 एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनी हुई है, और सामने ये देख रहे हैं आप जानेश्वर मिश्र, ये ही हैं, इन्हीं की याद में बनाया गया ये पार्क। तो ये सारी डिटेल है MiG-21 की, कौन से ये वॉर में शामिल था, पूरा लिखा हुआ यहाँ पे सब कुछ। ये है यहाँ का मेन पॉइंट, जिसको सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं। और ये हमारे माननीय जानेश्वर मिश्र, जिनकी याद में यहाँ पे ये पार्क बनी हुई है, उनकी प्रतिमा है ये सामने। तो ये है हमारे पीछे जानेश्वर मिश्र, इन्हीं की याद में ये पार्क बनी हुई है, जानेश्वर मिश्र पार्क। और ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। तो भाई यहाँ पे गोल्फ कार्ट भी चलती है, आप यहाँ से बैठ के पूरा पार्क घूम सकते हैं इसमें बैठ के। चलिए इनसे पूछते हैं क्या प्राइस है यहाँ का। 300 कितने लोग हैं? 5 लोग, मतलब 300 में 5-6 जितने ही बैठ जाए। और एक लोग बैठेंगे तो 300 फिक्स है। चलिए भाई ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक ठीक। तो अभी हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 3 पे, जो गेट नंबर 2 है वो देखिए यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा। और अभी हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 3 पे, पूरा आपको दिखाएंगे, एक एक पॉइंट पहुँचते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। अगर पूरी वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलिए इसीलिए मेन पॉइंट दिखाते हैं आप। सो ये है यहाँ का प्ले एरिया, गेट नंबर 3 के पास ही में है, आपको पूरा दिखाते हैं बैक कैमरे से।
अभी हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 4 पे। यहाँ पे साइकिल फेडरेशन है, साइकिल यहाँ पे आप रेंट में ले सकते हैं। 1 घंटे का 20 रुपये चार्ज है और आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पीछे बना हुआ है साइकिल फेडरेशन, जो कि गेट नंबर 4 पे है। यहाँ के साइकिल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसीलिए हम लोग ने साइकिल यहाँ पे अफोर्ड नहीं किया, और बाकी जो साइकिल सही थी तो वो गई हैं, रेंट पे कोई और ले गया उसको। और यहाँ पे 2-3 साइकिल खड़ी थी, जिसमें से 2 लेडीज साइकिल थी, उसकी भी कंडीशन ख़राब थी, इसलिए हम लोग ने नहीं लिया। पैदल ही चल रहे हैं, पैदल घूमते हैं, पूरा पार्क देखते हैं, पूरा कवर होता है या नहीं होता है, जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। सो ये है यहाँ का सोलर पैनल, काफ़ी बड़ा लगा हुआ सोलर पैनल, यहीं से सारी लाइट का इंतज़ाम होता है चलने का। एक और रास्ता आ गया, क्या क्या होता रहता है यार रास्ते में। वाह क्या सीन है, ये बैम्बू के ट्री लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, ये गोवा वाली फील दे रहा पूरा। सो ये है हमारा इंडिया का फ्लैग, जानेश्वर मिश्र पार्क में है ये। ये देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये देखिए एक दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे है। सो ये है यहाँ पे बोटिंग एरिया, यहाँ पे बोटिंग होती है लेकिन अभी कोविड की वजह से बंद हुई है। और यहाँ पे सारी बोट देखिए आप पीछे हमारे देख सकते हैं, बोट खड़ी हुई हैं जो कि कोविड की वजह से अभी बंद चल रही हैं। सामने देखिए ये इटालियन बोट खड़ी हुई है, काफ़ी महंगी बोट होती है ये। So, ये है फुटबॉल ग्राउंड। तो लगभग हम लोग ने 70% का रास्ता कवर कर लिया है, 30% और बाकी है। ये देखिए पूरा रास्ता, कोई नहीं है हम लोग के अलावा, और हम लोग पैदल ही चल रहे हैं अभी तक। सो अब आ गया वॉलीबॉल ग्राउंड, बेसिकली यहाँ पे सारे ग्राउंड बने हुए हैं, और ये है हॉकी ग्राउंड। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे हॉकी ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे पूरे रास्ते में सारे ग्राउंड बने हैं अलग अलग खेलों के। सो ये देखिए यहाँ पे ये इटालियन बोट खड़ी हुई हैं, जो कि अभी यहाँ पे सड़ रही हैं, कोविड की वजह से अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये स्पीकर लगा हुआ है, बढ़िया यहाँ पे गाना सुनिए आप, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे वरना कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। ये है यहाँ का इंडिया का फ्लैग। तो ये यहाँ पे कैंटीन बनी हुई है, यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, हर जगह आपको पानी मिल जाएगा, और यहाँ पे कैंटीन भी है, जो मर्जी हो वो खाइए, मज़े लीजिए पार्क के।
ये देखिए गेट नंबर 2 पे हम लोग पहुँच गए। ये देखिए ये मूर्ति बनी है, यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक हम लोग ने 5 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट किया और बज रहा है 6:15, तो 1 घंटा 15 मिनट लगे हम लोग को पूरा ट्रैक करने में। और हमारे पीछे ये कुछ बना हुआ है। तो भाई यहाँ पर मछली है, फिश पॉइंट बना हुआ है यहाँ ठीक मेरे पीछे, तभी यहाँ पे इतना क्राउड लगा हुआ है, सब मछली देखने के लिए आए हैं। फाइनली हम लोग की जर्नी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए। ये है गेट नंबर 2 मेरे पीछे और ये है MiG-21 एयरक्राफ्ट। लगभग हम लोग ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरी पार्क का चक्कर लगाया। ये देखिए ऐसा कुछ है गाइस। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।